हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डाटा स्टडी चेंजिंग वे ऑफ लर्निंग। आज है 23 अक्टूबर और आज देखेंगे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि अभी आप तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिए। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कल का क्वेश्चन का आंसर है हाल ही में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट किसने जारी की है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, या इनमें से कोई नहीं। तो यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है और वर्तमान में इसके 193 मेंबर हैं। वर्ल्ड बैंक जो है दो बैंकों से मिलकर बनती है, IBRD और IMF। वर्ल्ड बैंक क्या करती है, किसी देश को जो है उसके डेवलपमेंट के लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन देती है। यूनिसेफ की बात कर लेते हैं, तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा था। यूनिसेफ एक यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रेन फंड देता है, यानी बच्चों को जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे होते हैं उनके लिए जो है फंड जारी करता है ताकि उनका विकास किया सके। तो इसका आंसर क्या होगा, ये देखते हैं। इसका आंसर होगा यूनिसेफ, यानी हाल ही में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट जारी की है यूनिसेफ ने। ये देखिए, हाल ही में यूनिसेफ ने वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट जारी की है। यूनिसेफ ने पिछले 20 वर्षों में पहली बार बच्चों के पोषण संबंधी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 5 वर्ष तक की उम्र के प्रत्येक 3 बच्चों में से 1 बच्चा कुपोषण अथवा अल्प वजन की समस्या से ग्रसित है। तो ये यूनिसेफ ने जारी की है, इसके बारे में आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर। आइए देखते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और स्विट्जरलैंड की पहली संयुक्त बैठक कहाँ हुई। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, नई दिल्ली, अहमदाबाद, पटना, लखनऊ। तो हाल ही में भारत और स्विट्जरलैंड की पहली संयुक्त बैठक कहाँ हुई, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। नई दिल्ली की बात करते हैं तो नई दिल्ली 1911 में भारत की राजधानी बनी। नई दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली मुख्यमंत्री और अनिल बैजल यहाँ के राज्यपाल। दिल्ली में ही भारत का राष्ट्रपति भवन स्थित है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थित है। फेसाई का मुख्यालय दिल्ली है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। ये भी कई बार एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है। अहमदाबाद तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जो 1911 में भारत की राजधानी बनी। अहमदाबाद
की बात कर लेते हैं तो गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है, पटना तो बिहार की राजधानी पटना, और लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे बसा है। आइए देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन क्या है। तो इसी के बारे में भारत और स्विट्जरलैंड रेल परिवहन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुई है, और रेल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 2017 में किए गए करार के तहत सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा की गई है। भारत और स्विट्जरलैंड ने रेल परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने में सहमत जताई है। दोनों पक्षों ने कल नई दिल्ली में संपन्न हुई संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक में यह फैसला लिया है। रेल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच 2017 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नई दिल्ली। अगला आइए देखते हैं स्विट्जरलैंड की बात करते हैं। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और करेंसी फ्रैंक चलती है, फ्रैंक। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में संपन्न क्षेत्रीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, भुवनेश्वर, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला। तो हाल ही में क्षेत्रीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। उड़ीसा जो कि समुद्र तटीय क्षेत्र है। आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए इसी के बारे में देख लेते हैं पहले। तो क्षेत्रीय श्रम सम्मेलन का भुवनेश्वर में आयोजन हुआ। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि श्रम समवर्ती सूची में आता है और केंद्र तथा राज्य सरकारें श्रमिकों के कल्याण के लिए समन्वित प्रयास करती हैं। वह आज भुवनेश्वर में क्षेत्रीय श्रम सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। 6 राज्यों उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार के श्रम मंत्रियों और श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने सम्मेलन में भाग लिया। तो इसका आंसर होगा भुवनेश्वर। आइए देखते हैं भैया आपका अगला क्वेश्चन क्या है। 15वें वित्त आयोग ने उत्तर प्रदेश के साथ बैठक की है, इसके अध्यक्ष कौन है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एनके सिंह, राजीव कुमार, आरके सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो 15वें वित्त आयोग ने उत्तर प्रदेश के साथ बैठक की है, तो इसके अध्यक्ष जो हैं एनके सिंह है, पहला ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन इसका राइट होगा। और तो इसके और 14वें वित्त आयोग की बात करते हैं तो उसके YV रेड्डी उसके अध्यक्ष हैं, YV रेड्डी, और 15वें के एनके सिंह हैं। इसके बारे में देख लेते क्वेश्चन के बारे में। तो 15वें वित्त आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बैठक की है और इसके अध्यक्ष जो हैं श्री एनके सिंह है। इसके सदस्यों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। वित्त आयोग ने यह पाया, जनसंख्या की दृष्टि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। देखिए यहाँ पर आपका क्विक फैक्ट याद कर लीजिए, सभी राज्यों की आबादी का 16.78% यही रहता है और यहाँ शहरीकरण की दर 22.3% है। उत्तर प्रदेश में सभी राज्यों का 7.35% क्षेत्रफल है। तो उत्तर प्रदेश रहने वाले भाई जो स्टूडेंट हैं वो इसके बारे में जान ले तो अच्छा रहेगा। और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 है, जो 382 की राष्ट्रीय औसत से अधिक है, यानी विश्व जो है सॉरी उत्तर पूरे भारत का राष्ट्र जनसंख्या घनत्व जो है 382 है। देखिए यहाँ पर इतने क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल कितना है, भारत प्रतिशत कितना है, और इसका यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना है, ये सभी क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपियन यूनियन 2019 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए, राफेल नडाल, एंडी मरे, नोवाक जोकोविच, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में यूरोपियन यूनियन
2019 का खिताब एंडी मरे ने जीता है। एंडी मरे यानी सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। राफेल नडाल की बात की जाए तो राफेल नडाल जो है ये भी खिलाड़ी हैं और ये जो है इन्होंने कई खेल जो है खेलों में भाग लिया है, जैसे यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन ओपन, इन सभी में जो इन्होंने भाग लिया है और जो है भाग लिया है। तो आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। तो इसका आंसर होगा एंडी मरे। तो हाल यूरोपियन यूनियन 2019 पुरुष एकल खिताब एंडी मरे ने जीता है। आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में दादू चांगले का निधन हुआ है, वह क्या थे? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पहलवान, पत्रकार, गायक, अभिनेता। तो हाल ही में दादू चांगले का निधन हुआ है, वह है पहलवान, यानी बी ऑप्शन इसका राइट होगा। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये देखिए, दादू चांगले महाराष्ट्र के दिग्गज पहलवान दादू चांगले का रविवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके परिवार ने जानकारी दी, यह 73 साल के थे। उनके परिवार में दो बेटे हैं। उनके परिजनों के मुताबिक चांगले अस्थमा से पीड़ित थे। तो इसका आंसर होगा दादू चांगले। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में पीपल्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पीम साटन, थॉमस पीस, रिचर्ड मार्बल, जेनिफर एनिस्टन। तो हाल ही में पीपल्स आइकन अवार्ड से जेनिफर एनिस्टन को सम्मानित किया गया है। जेनिफर एनिस्टन यानी डी ऑप्शन इसका राइट होगा। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये देखिए, ये हैं जेनिफर जोआना एनिस्टन। जन्म इनका 11 फरवरी 1969 को हुआ था। यह एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं, फिल्म निर्देशक व निर्माता हैं। इन्हें जो है इस पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो ये एक अभिनेत्री हैं और इन्हें जो है हाल ही में पीपल्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए देख लें अगला क्वेश्चन क्या है। भारत के 65वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, शशि शेखर, अंकुश राणा, रौनक साधवानी, या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 65वें ग्रैंड मास्टर बने हैं रौनक साधवानी। इसका आंसर होगा सी। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये देखिए, अंक जो है रौनक साधवानी, 13 साल के रौनक साधवानी भारत के 65वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। रौनक ने आइल ऑफ मैन में फिडे चेस डॉट कॉम ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर यह उपलब्धि हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि पर पूर्व विश्व चैंपियंस स्विट्जरलैंड के व्लादिमीर क्रेमनिक भी खुश हैं, क्योंकि उन्होंने 5 अन्य युवा भारतीय प्रतिभाओं के साथ रौनक को भी ट्रेन किया है। तो ये इसका आंसर होगा रौनक साधवानी, 65वें ग्रैंड मास्टर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अक्टूबर 2019 में निम्न में से किस शहर ने दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात प्राकृतिक मोती की खोज की है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, दुबई, अबू धाबी, मस्कट, ऑकलैंड। तो इसका आंसर होगा अबू धाबी। अक्टूबर 2019 में से अबू धाबी ने दुनिया के सबसे पुराने प्राकृतिक मोती की खोज की है। आइए देखते हैं हम अबू धाबी के बारे में। तो ये अबू धाबी कुछ इस प्रकार इसका चित्र दिखाया जाता है। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है और यह वहाँ का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर भी है। अबू धाबी का शासन खलीफा बिन जायद अल नहयान करते हैं, जो यूएई के राष्ट्रपति हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको जानकारी मिलती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन आप डे है, इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। जितना भी आपको इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी हो, वो पूरी जानकारी हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश 18वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, नेपाल, अजरबैजान। तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसके बारे में आपको जितना भी जानकारी है
उतना दीजिए। और आपसे यही कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है ताकि डेली आपको ऐसे स्टडी रिलेटेड वीडियो आपको मिल सकें और आप अपने करियर को जो है में बनाने में सफल हो सकें। तो आप यही दुआ है, आप जो है जल्द से जल्द सफल हो और मेहनत पूरी तरह से करें, क्योंकि मेहनत ही इंसान को सक्सेस कर सकती है। और अगर आप मेहनत, आप में मेहनत करने का हौसला है, जज्बा है, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मेहनत किस्मत से भी बड़ी होती है। क्योंकि मेहनत वो है जो सामने होती है, किस्मत तो कभी पीछे होती है, कभी आती भी है कभी नहीं आती, लेकिन मेहनत वो है जो सब कुछ करवाती है आपसे। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।